क्या सावन के महीने में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से लगातार सरकार बदलने के बाद से लोग बोल रहे थे कि जो सरकार बनी है एनडीए की वो बैसाखी पे बनी है और नीतीश कुमार कभी भी सरकार को छोड़ के जा सकते हैं, जो सरकार बनी है वो स्थायी सरकार नहीं है। लोकसभा में जो बीजेपी के नतीजे आए हैं वो बहुमत वाली सरकार नहीं बना पाए हैं। तो आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी है और तोड़ जोड़ की सरकार बनी है, तो लगातार विपक्षी नेता जो है इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो स्थायी तौर पर सरकार को नहीं चलने देंगे और सरकार को वो गिराकर नई सरकार मतलब कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो अब देखना होगा जिस प्रकार से जो लोग बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिस कारण से नीतीश कुमार इंडिया का हिस्सा नहीं रहेंगे और इंडिया का गठबंधन है वो तोड़ सकते हैं। लेकिन अब बता दें कि जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार बोलते आ रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ आ गए हैं, और लगातार जो विपक्षी नेता उनका साफ तौर पर कहना है नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं पिछले दिनों से और लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांवरियों को लेकर नीति लाई गई है यूपी में, नीतीश कुमार ने खुल करके समर्थन भी नहीं किया है। तो देखना होगा नीतीश कुमार के जो सूर्य वो बदले बदले दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की बातों को बीजेपी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो पहला प्राथमिकता रही है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर सहमति नहीं दे रही है। हालांकि बता दें कि विशेष पैकेज देने की बात चल रही है। तो अब देखना होगा जिस प्रकार से विपक्षी नेता है वो लगातार अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है किसी भी समय विपक्षी नेताओं के साथ आकर के और एनडीए की सरकार को वो समाप्त कर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं के साथ जाएंगे? क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और क्या एनडीए की सरकार जो है वो समाप्त हो जाएगी? तब देखना होगा नीतीश कुमार के ऊपर सारे फैसला है। और आप लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन तोड़ करके इंडिया के साथ जाएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो भारत में बन पाएगी? तो देखना होगा नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अवसरवादी नेता कहा गया है। लगातार वो किसी भी पार्टी के साथ जाते हैं लेकिन वो अपनी प्राथमिकता को बजाय रखते हैं, अपना पद वो पहले सुनिश्चित करते हैं। तो देखना होगा नीतीश कुमार जिस प्रकार से बता रहे थे, तो देखना होगा जिस प्रकार से विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी समय गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, तो देखना होगा जिस प्रकार से विपक्षी नेता बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सावन के महीने में एनडीए का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।